तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कृष्णा इसके चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइस यार, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो फ़ोन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो फ़ोन की नोटिफिकेशन स्लाइड के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि वीवो के किसी भी डिवाइस में आपको नोटिफिकेशन स्लाइड देखने को नहीं मिलती है, और काफ़ी सारे कमेंट्स मेरे पास आती थी और काफ़ी सारे लोगों का ये सवाल है कि वीवो फ़ोन में नोटिफिकेशन स्लाइड को कैसे ऑन करते हैं और कैसे नोटिफिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं अपने वीवो के फ़ोन में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो V11 Pro एंड वीवो V15 Pro, ठीक है, यानी कि हम उन फ़ोनों के बारे में बात करने वाले हैं जिन फ़ोनों के अंदर आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, यानी कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट फ़ोन है उनके अंदर। जी हाँ दोस्तों, आज जिन जिन के अंदर जिन जिन फ़ोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है उनके अंदर आप नोटिफिकेशन स्लाइड को कैसे ऑन करोगे, आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। तो यार, आपको वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर आपका भी फ़ोन है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट वाला, तो आप अपने वीवो के उस फ़ोन में फिंगरप्रिंट को यू वो सॉरी नोटिफिकेशन स्लाइड को यूज़ कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको एक एप्लीकेशन ओपन करनी है, डाउनलोड करनी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। और डाउनलोड करने के बाद में इंस्टॉल हो जाएगी, तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पे स्लाइड कर देना है, यहाँ से आपको परमिशंस मांगेगा, तो यहाँ से ग्रांटेड कर देना है। यहाँ से ग्रांट करके यहाँ से इसको अलाउ कर देना है, बैक हो जाना है, और इसके बाद यहाँ से आगे जाना है और राइट का निशान आएगा, क्लिक कर देना है। गाइज यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस आपको देखने को मिल जाएंगी जिन पे आप लाइट ऑन कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसकी लाइट ऑन कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मेरी जो लाइट है वो ऑन हो जाएगी व्हाट्सएप की। मैं चाहता हूँ कि व्हाट्सएप पे मुझे नोटिफिकेशन स्लाइड मिले, और अदरवाइज अगर यहाँ पे आपको फ़ोन के एप्लीकेशंस नहीं आ रहे, तो आपको यहाँ पे जाना है, यहाँ पे सिस्टम की जो एप्लीकेशंस है जैसे मैसेज बॉक्स वगैरह, उन एप्लीकेशंस को ऑन करने के लिए यहाँ से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको सारे ही फ़ोन के जितने भी ऐप्स हैं उन सारे ऐप्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जैसे जीमेल की इनेबल कर दो, प्लस मैसेज बॉक्स की, जिस चीज़ की करना चाहो तो कर सकते हो। तो यहाँ पे मैसेज बॉक्स की यहाँ पे मिल जाएगी मुझे, तो यहाँ मैसेज की ये है कि, ठीक है, इस टाइप से आप कर सकते हो। अब बात रहती है कि चार्जिंग की, तो उसके लिए आपको यहाँ पे हमने तीन के ऑन कर दिए। यहाँ पे आपको जाएंगे तो यहाँ पे लेड इनेबल लेड लिखा हुआ आ जाएगा, नीचे आपको स्पीड वगैरह इनको किसी को नहीं छेड़ना है, ठीक है। कलर वगैरह आप अपने हिसाब से डिसाइड करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद फोर्स इनेबल नोटिफाई, उसके बाद नोटिफाई फॉर मिस कॉल मिसेड कॉल, यानी कि जो मिस कॉल आती है उनकी अगर नोटिफिकेशन आप चाहते हो तो इसको ऑन कर लो। बट उसके लिए, ठीक है, यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि ऑन नहीं होता है गाइज, वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको इसको परचेस करने रहता है, ठीक है। तो परचेस आपको तीन ऑप्शंस मिलते हैं, एक तो कम प्राइस वाला जिसे 1 महीने के लिए कर सकते हो यूज़, और एक 2 महीने के लिए, और एक रहता है वॉच एड्स का। तो आप वॉच ऐड करके इस फीचर्स को इनेबल कर सकते हो। फिलहाल मैंने ऐड को वॉच कर लिया था, और आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, उसके बाद अगर आपको फिर से बढ़ाना है तो फिर से आप ऐड देख लीजिए और आपकी जो नोटिफिकेशन है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो 28 सेकंड का ऐड आता है आपको। उसके बाद यहाँ पे मिनिमम बैटरी लिमिट आप यहाँ से सेट कर सकते हो कि कितने परसेंट पे आप चाहते हो, तो यहाँ पे जितना है वो आप नॉर्मली सेट रहने दीजिए, या फिर आप 15% कर दीजिए, ठीक है। तो फिलहाल मैं 0 ही कर देता हूँ कि 0% तक आपको नोटिफिकेशन लाइट मिलती रहे। शो चार्जिंग इंडिकेटर, तो यहाँ पे आपको चार्जिंग वाला जो है सिस्टम, अगर आप चार्जिंग पे लगाते हो तो यहाँ पे आपको इसको, ये देखिए, यहाँ पे आपको ऐड का ऑप्शन देखने को आ जाए, पे और गेट फॉर फ्री। तो यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लेयर मोड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कई ऑप्शंस मिल जाते हैं, देख सकते हैं, वाई प्रीमियम एंड सपोर्ट सेव, ठीक है। उसके बाद अनलॉक प्रीमियम फीचर्स वाई वॉचिंग एंड ऐड, यानी कि आप ऐड को देखकर इसको अनलॉक कर सकते हो। तो इसलिए आपको यहाँ पे वॉच ऐड पे क्लिक करना है, और यहाँ पे जो भी आपका ऐड चलेगा 28 सेकंड का, उसको ऐड को देखना है कंप्लीटली, याद है कि बीच में आपको कट नहीं करना है, ठीक है। तो हमारा जो ऐड है वो चलना स्टार्ट हो गया है, और जब तक हमारा ऐड नहीं हो जाता इसकी कंप्लीट, तब तक हमें इसको ऐड को चलने देना है। इसके बाद क्या होगा कि, तो देख सकते हैं हमारा जो ऐड है वो कम्प्लीटली चल चुका है, और उसके बाद हमारा वो फीचर जो अनलॉक हो जाएगा वो भी सिर्फ 1 दिन के लिए। अब 2 बार ऐड देखोगे 2 दिन के लिए, 3 बार देखोगे 3 दिन, तो यहाँ पे प्रीमियम अनलॉक ऐड, तो यानी कि 1 बार ऐड में 2 दिन के लिए अनलॉक हो चुका है। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं इसको ट्राई कर सकता हूँ। तो अभी हम बैक जाएंगे और जो चार्जिंग वाला था उसे हम यहाँ से ऑन कर लेते हैं।
उसके बाद हमें कुछ फीचर्स यहाँ पे शो हो जाएंगे जो कि अपने हिसाब से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट का कलर कैसे, कितनी देर के चाहिए हमें, कितने टाइम तक चाहिए, लेट साइज 30 चाहिए, साइज आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेना, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे चार्जिंग कलर आप यहाँ से अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। ऑलमोस्ट चार्जिंग मतलब कि 90% से उसके तक होने तक आप अपने हिसाब से चार्ज कर सकते हो, तो मैं येलो कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे फुल चार्ज पे आपकी ग्रीन लाइट हो जाएगी, इसे भी आप चेंज कर सकते हो, यानी कि अपने हिसाब से आप मॉडिफाई कर सकते हो। लेड वॉट फायर बैटरी, तो यहाँ से आप इसको इनेबल करके आप टाइम सेट कर सकते हो, फिलहाल टाइम की ज़रूरत नहीं है। डबल टैप टू टर्न ऑफ स्क्रीन कर सकते हो, आप इसको स्क्रीन ऑफ करना चाहते हो, मतलब कि लाइट चाहते हो कि नहीं। उसके बाद अनलॉक डिवाइस विथ यूज दिस फिंगरप्रिंट, फिंगरप्रिंट को अगर आप इनेबल करना चाहते हो लाइट पे, तो यहाँ पे आप फिंगर इसको ऑन कर सकते हो, यानी कि नीचे फिंगरप्रिंट का भी ऑप्शन शो होगा इन डिस्प्ले वाला, ठीक है, करना चाहते हो तो ठीक है, वरना आप लाइट को ही छोड़ दे, तो ऐसे मेरे हिसाब से तो ऐसे। सो ऐप आइकन लेड, यानी कि ठीक है आइकन भी आपको दिखाई दे लेड के, और उसके बाद में लेड साइज वगैरह, तो मैंने यहाँ पे बात सारे ही कर लिए हैं, टेस्ट के लिए आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। इस टाइप की कुछ नोटिफिकेशन लाइट आपको देखने को मिल जाएगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन लाइट, अभी अब मैं आपको दिखा देता हूँ टेस्ट करके, ठीक है। हमारी जो लाइट है वो कम्प्लीटली हो चुकी है सेटअप, यहाँ से आप देख सकते हैं कि सारा कुछ ओके है। अब इसको आपको कुछ नहीं करना है, कट कर देना है इजली, और अब आपको फ़ोन रख देना, मैं कर देता हूँ फ़ोन को साइड, और चलिए मैं दूसरे फ़ोन से मैसेज करता हूँ, ठीक है। इस फ़ोन की लाइट को मैं कर देता हूँ ऑफ, और व्हाट्सएप पे मैं एक मैसेज करता हूँ आप लोगों के सामने, लाइव प्रूफ मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो ठीक है। मैं यहाँ पे फ़ोन रख लिया है, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ एक मैसेज, तो चलिए मैंने यहाँ पे मैसेज कर दिया है, और अभी आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने मैसेज किया, और यहाँ पे नोटिफिकेशन लाइट आपको शो होने लगी है, देख सकते हैं कि जो नोटिफिकेशन लाइट है वो शो होने लगी है, और अभी आप देख सकते हैं बार बार लाइट ये ब्लिंक करती रहेगी। तो कुछ इस टाइप से आप अपनी इस नोटिफिकेशन लाइट को ऑन कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ उन फ़ोनों में जिन फ़ोनों के अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिलता है, तो ऐसे ही आप ऑन कर सकते हो, सारी चीज़ों पर ये अच्छे से वर्क करेगी बहुत ही आसानी से। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।